बिहार में शराब पीने वालों से ज्यादा सख्ती इसके धंधेबाजों पर होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ अभियान को और तेज करने के निर्देश पुलिस और मद्य निषेध विभाग को दिए हैं। सोमवार को शराब बंदी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शराब के सप्लायर, तस्कर और बेचने वालों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करें। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने समीक्षा बैठक के बाद सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि पीने वालों की अपेक्षा शराब की तस्करी और इसके धंधे में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करना और उन्हें सजा दिलाना सरकार की प्राथमिकता होगी, पर ऐसा नहीं है कि शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ किया कि शराबबंदी कानून को कोई बदलाव नहीं करने जा रहे। बता दें कि शराबबंदी कानून के तहत पहली बार पीकर पकड़े लोगों को जुर्माना लेकर छोड़ने के लिए दंडाधिकारी की नियुक्ति अब तक नहीं होने के मामले पर उन्होंने कहा कि यह काम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के स्तर पर हो रहा है। संशोधन का जो उद्देश्य था वह पूरा हो रहा है। मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि शराबबंदी कानून में संशोधन का उद्देश्य ही इसके धंधे में लिप्त लोगों को सख्ती बरतना है। हमने शराब की सप्लाई चेन को ध्वस्त करने पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि दोबारा शराब पीने वालों के साथ धंधे में लिप्त लोगों को सजा दिलाने पर काम हो रहा है। कई लोगों को 10, 8 और 5 वर्ष की सजा हुई है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन में अक्टूबर में 20,000 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है। इसमें 350 डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी सेवक और जनप्रतिनिधि जैसे खास लोग शामिल हैं। आईजी मध्य निषेध अमृत राज ने कहा कि पुलिस शराब के सप्लायर और उसके रिसीवर की पहचान कर गिरफ्तारी कर रही है। 90 से ज्यादा शराब सप्लायर विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं बिहार में 60,000 ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई। हमारा फोकस है कि शराब के बड़े धंधेबाजों को सजा दिलाए। आने के लिए आप सबको धन्यवाद। आज शाम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी से जुड़े हुए मामलों पर बहुत विस्तार से समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा और पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध तथा उत्पाद आयुक्त भी उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि नाजायज शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ चल रहे अभियान को और भी सघन बनाया जाए, उसमें तेजी लाई जाए और जो शराब सप्लाई करने वाले हैं, चाहे राज्य से बाहर के हों या राज्य के अंदर के हों, या जो उसका भंडारण करते हैं या जो बिक्री करते हैं, उनको ही पकड़ा जाए। पीने वालों को पकड़ने की अपेक्षा जो सप्लायर हैं उनको पकड़ने पर बल है, उनके खिलाफ कार्रवाई और न केवल पकड़ना बल्कि उनको कोर्ट से सजा दिलाना, ये उसमें शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश हुआ है। पुलिस पक्ष के द्वारा अलग से कार्रवाई की जाती है, पुलिस और उत्पाद विभाग के बीच में समन्वय रहता है, तो इसलिए जो कुल उपलब्धि है शराबबंदी की वो उत्पाद की जो उपलब्धि है और जो पुलिस की है उसको मिला करके है, टोटल करके है। तो कुल मिला के जैसा आपने पाठक साहब से सुना कि काफ़ी तेजी लाई गई है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दियारा क्षेत्रों में अभियान चलाया गया है इनके विभाग के द्वारा। शराब के पाए गए जो ड्रम हैं या जो सामान है उसको नष्ट करने के लिए आधुनिक यंत्रों का सहारा लिया गया है। दोबारा पीते हुए पकड़े जाने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए विशेष प्रयास हुआ है और कई तरह से सूचना का संकलन हो रहा है। ये तो इनके विभाग की बात थी। जो पुलिस है, जो राज्य के सारे थाने हैं उनके द्वारा जो शराबबंदी का काम हो रहा है उसकी समीक्षा DGP करते हैं। और क्लियर कर दिया जाए सर कि पीने वाले को पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा।
देखिए बात प्राथमिकता की है, कानून में दोनों चीजें अपराध हैं। अगर हम एक सप्लायर को पकड़ते हैं तो उससे जुड़े हुए जो 1000 पीने वाले हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाती है, तो सप्लाई लाइन को कट ऑफ करना, काट देना, ये अच्छा है ना। हम पीने वालों के पीछे दौड़े, अब कोई अगर पिया हुआ पकड़ा ही जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कानून में माफी नहीं है, लेकिन प्राथमिकता प्रायोरिटी। हाँ, सप्लाई लाइन ही बंद होगी तो लोग पिएंगे ही नहीं, पीने वालों की संख्या में कमी आएगी, इसलिए प्राथमिकता उसी की है। इज देयर एनी प्लान टू रिड्यूस द पेनल अमाउंट ऑफ द रिपीट ऑफेंडर्स और एनीथिंग लाइक दैट? देखिए कुछ सूटेबल रिलैक्सेशन किए गए थे अमेंडमेंट जो पिछला हुआ था सर, उस अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल फोकस है कि फर्स्ट ऑफेंडर को कम सजा है, रिपीट ऑफेंडर को जाते, सप्लायर वगैरह को, इलीगल सेल करने वाले को जाते हैं। अभी इसमें कोई चेंज या डाइल्यूशन करने का प्रपोजल नहीं है, अभी वर्तमान प्रावधान है, ये सेटिस्फैक्ट्री है और इनको उसी तरह लागू किया जाएगा जैसा अभी कानून है। क्लियर कर दिया जाए सर कि पीने वाले को पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? देखिए बात प्राथमिकता की है, कानून में दोनों चीजें अपराध हैं। अगर हम एक सप्लायर को पकड़ते हैं तो उससे जुड़े हुए जो 1000 पीने वाले हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाती है, तो सप्लाई लाइन को कट ऑफ करना, काट देना, ये अच्छा है ना। हम पीने वालों के पीछे दौड़े, अब कोई अगर पिया हुआ पकड़ा ही जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कानून में माफी नहीं है, लेकिन प्राथमिकता प्रायोरिटी। हाँ, सप्लाई लाइन ही बंद होगी तो लोग पिएंगे ही नहीं, पीने वालों की संख्या में कमी आएगी, इसलिए प्राथमिकता उसी की है। इज देयर एनी प्लान टू रिड्यूस द पेनल अमाउंट ऑफ द रिपीट ऑफेंडर्स और एनीथिंग लाइक दैट? देखिए कुछ सूटेबल रिलैक्सेशन किए गए थे अमेंडमेंट जो पिछला हुआ था सर, उस अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल फोकस है कि फर्स्ट ऑफेंडर को कम सजा है, रिपीट ऑफेंडर को जाते, सप्लायर वगैरह को, इलीगल सेल करने वाले को जाते हैं। अभी इसमें कोई चेंज या डाइल्यूशन करने का प्रपोजल नहीं है, अभी वर्तमान प्रावधान है, ये सेटिस्फैक्ट्री है और इनको उसी तरह लागू किया जाएगा जैसा अभी कानून है। बट ये हम ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि लोग पी करके आराम से घूमे, हम नहीं पकड़ेंगे। अच्छा किए, क्लियर कर दिए, लेकिन इस बात की कभी कभी आलोचना होती थी, आलोचना ये इस बात की कभी कभी आलोचना होती थी कि पुलिस या उत्पाद विभाग केवल पीने वालों को पकड़ते हैं, तो उसी का जवाब दिया गया कि हमारा फोकस और प्रायोरिटी उधर है, लेकिन अगर नेट में कोई आ गया, कानून के पकड़ में कोई आ गया पीने वाला, तो अपराध तो बाहर अपराध है। ALTF को दोबारा गाड़ियां दे दी गई हैं, उनका था विभाग से गाड़ियां दे दी गई, अब गाड़ियां चल रही हैं। कोर्ट से जुर्माना लेकर के छोड़ने का काम हो रहा है, इसलिए उद्देश्य जो एक्ट का है वो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नहीं हो रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हो रहा है। बात बराबर है, कोर्ट कोई भी हो, प्रावधान लागू हो चुका है और उसका असर भी है। हम लोगों ने आज समीक्षा में माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया आ रही है कि और से अक्टूबर माह में त्योहारों के मौसम को देखते हुए उत्पाद विभाग ने बड़ी तेजी से और बड़ी कड़ाई से इस पिछले एक महीना में ही 20,000 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें जैसा कि माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा कहा गया कि ये सरकार का स्पष्ट स्ट्रेस है कि हम सप्लाई साइड पे ज़्यादा ध्यान दें और पीने वालों पर ज़्यादा ध्यान वो ना दें। इसी वजह से आपको याद होगा हम लोगों ने अप्रैल में सुधार किया था कि पीने वालों को हम लोग अगर पकड़ते हैं तो 2,000 रुपये फाइन दे के छोड़ सकते हैं, केवल उन्हीं को हम लोग जेल में भेजते हैं जो दोबारा पीते हुए पकड़े गए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने अक्टूबर माह में 20,000 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें आम लोग के अलावा खास लोग भी हैं, काफ़ी सारी संख्या में बड़े लोग पकड़े गए हैं जिनका डिटेल यहां देना ठीक नहीं है, किंतु कोर्ट में सब पे केस चल रहा है। हम लोगों ने पीते हुए भी करीब 350 लोगों को पकड़ा, जिसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सरकारी सेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, काफ़ी खबरें आप लोग अखबार में देखते होंगे। तो हमारा स्ट्रेस चहुमुखी है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने जो रिपीट ऑफेंडर को पकड़ा है तो उसमें भी सजाएं हो रही हैं, सज़ा और कन्विक्शन की भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की गई, तो बहुत सारे लोगों को 5 साल की सज़ा पिछले विशेष न्यायालय गठन जब से जनवरी से हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को इन 10 महीनों में 5 साल की सज़ा हो गई है, कईयों को 10 साल की हो गई है, कईयों को 8 साल की हुई है,
तो कन्विक्शन करके हम जो शराब माफिया है जो राज्य के बाहर बैठी हुई है उन पर भी हम लोग काफ़ी स्ट्रेस डाल रहे हैं। इस बारे में अन्य बातें आपको आईजी प्रोहिबिशन डिटेल में बता देंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।